काफी प्यारा लग रहा है। बहुत सारे भाई लोगों ने कमेंट किया था कि इसका साइरेक्स ऐसे आ रहे हैं। बाप रे बाप, वाह। बाय बाय भाई, कैसा लगा? अच्छा है ना? वेल हेलो दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चा बड़ी, मेरे समेत एक बार फिर से स्वागत करता आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने दिखाया था आपको ये वाला बाइक, हाल ही में इसके साथ कांड भी हो गया, एक्सीडेंट भी हो गया। वो वाले वीडियो में बहुत सारे भाई लोगों ने कमेंट किया था और इंस्टाग्राम में भी कमेंट किया था कि जो RS है ना, बहुत हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे आप RS चलाओ कि चैनल खोलने के बाद से अब तक मेरे ख्याल से शायद मैंने आतिक भाई का ही बाइक एक बार चलाया था, वो भी राइड बैक इन 2018। आज इस बाइक को हम चलाएंगे और बताएंगे कैसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग अभी भी RS लेने का सोचते हैं। RS 200 कैसा बाइक है, बीइंग ए 200cc बाइक कैसा इसका पिकअप वगैरह है, क्योंकि पल्सर का जो 250F और N250 दो बाइक निकला है ना गाइस, दोनों में पिकअप तो है बट उसमें वही मतलब 5 गियर है और पिकअप वगैरह हाईवे पे लगता है कि थोड़ा सा घुटन हो रहा है। तो देखते हैं ये वाले में भी सेम प्रॉब्लम या फिर इट इज गुड। तो थोड़ी देर गाइस बैठ लेते हैं दूसरे वाहन में, उसके बाद इसको चलाएंगे थोड़े दूर आगे जाके इसी रोड में। भाई ये क्या लगाया है, एनाकोंडा का टायर लगाया है क्या इसमें? भाई साहब क्या ग्रिप टायर, क्या अमेजन के जंगलों से जाके लेके आए हो? एनाकोंडा लग रहा है इसलिए पूछा मैंने। इट इज कम्फर्टेबल टू सीट बिहाइंड द पिलियन सीट इन एक्सपल्स। बहुत दिन से आना नहीं हुआ, ये रहा कॉमरेड पिट स्टॉप, यहाँ पे मिलता है सामान वगैरह। मुझे भी कुछ कुछ सामान लेना है, मतलब नॉर्थ ईस्ट राइड शुरू करने से पहले ना कुछ तो नया लेना है। इधर जैकेट तो मेरे पास है ऑलरेडी, 3-4 पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ अलग चीज लेने का सोच रहे हैं इस बार, जो कि मतलब कुछ काम में आए, स्पेशली इन द लगेज सिस्टम, क्योंकि हमें अपना टाइगर में जो है ना गाइस पेनियर बक्सा दोनों तरफ नहीं लगाना है। टॉप बॉक्स है हमारे पास, टॉप बॉक्स आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द टॉप बॉक्स थिंग। रेस्ट हमको खाली पेनियर के जगह में कुछ ऐसा लगेज करना है कैरी, जिसको मतलब इजिली भी माउंट कर सकते हो, इजिली निकाल भी सकते हैं। तो इनके साथ आपके पास कुछ भी सजेशन है ना गाइस, जो टाइगर के पीछे वाले सीट में हम लगा सकते हैं, गौर फरमाइए हमारे बातों पर और रोशनी फेंकिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। भाई खतरनाक चेकिंग चल रहा है, भाई क्या चल रहा है? भाई भाई पुलिस वालों को देख के लग रहा है हमारा भी चेकिंग होगा कहीं ना कहीं आगे जाके। और हम लोग अभी जा रहे हैं टूवर्ड चंद्रपुर साइड, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा खुला खुला रोड रहता है, वीडियोस वगैरह करने के लिए बहुत ही सही जगह है। हाँ हालांकि थोड़ा दूर होता हम जा रहे थे, लेकिन कोई ना। बाय बाय बाय। बाप रे बाप, ये भाई तो उड़ाते हुए चले गए, तो ए दिखा के जेड हो गए धूम की तरह। सोलो राइड करते हैं तो उड़ा सकते हैं, पिलियन के साथ में ना उड़ाओ तो बेहतर है, क्योंकि पिलियन को भी डर लगता है जैसे हमें लग रहा है। एक टाइम था ये मार्केट में आप कहीं पे भी ढूंढो ना स्पोर्ट्स बाइक के अलावा दूसरा बाइक ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन आजकल लोग अपना पसंद जो है उसको अच्छी तरीके से समझ सके, इसलिए एडवेंचर बाइक भी ना बहुत सारा देखने को मिल जाता है रोड पर। एक्सपल्स और हिमालयन, ये दो बाइक तो हाईएस्ट देखने को मिलता है। চন্দ্রপুর সাইড যাব, আপনাদের ভাল কাম করে আছে করক, না ঠিকই আছে, চেকিং চেকিং করলে অল্প মানুহ স্ট্রিক্ট হব লাগে, অল্প ভয় খাব, অল্প ভয় খাব, হেলমেট লাগে, আমি যত যাও ডাবল হেলমেট পিন্ধুয়ে আর এক্সিডেন্ট হয়েছে সেইদিনাখন, এইটো ভাঙি গৈছে এইফালে। গাড়ি খুন্দা ব্রেক মারি দিছে হাইওয়ে, এক্সিডেন্ট হয়েছে। লগাই লব, থ্যাংক ইউ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভাই। पट गई थी, इसके पास लाइसेंस तो सही तरीके से है, तेरे पास तो है मेरे को पता है, लेकिन मीर के लिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। उसका वो रैप भी खतरनाक वाला, छपरी वाला रैप है ना, उसमें पुलिस वालों का नजर उसमें डायरेक्ट जाता है, ऊपर से सामने नंबर प्लेट भी नहीं है। मैं तो गया, ये तो गया, पुलिस वाले अच्छे थे यार, छोड़ दिए उन्होंने। चेकिंग वगैरह ये ना करना चाहिए, क्योंकि क्राइम रेट भी बढ़ रहा है सिटी में, और पुलिस वाले बोल रहे थे कि चोरी वोरी हो रहा ना आजकल, तो उस हिसाब से मतलब चेकिंग वगैरह गली वगैरह में ज्यादा करके स्ट्रिक्टली चेकिंग कर रहे हैं लोग। गुड जॉब डन बाय असम पुलिस, बढ़िया चेकिंग वगैरह कीजिए। और हेलमेट वगैरह जैसे हम लोग पहन के घूमते तो कोई टेंशन है ही नहीं, गाड़ी का कागज भी हमेशा क्लियर ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, इसलिए हम लोग आराम से निकल आए, स्विफ्टली हो गया काम। भाई साहब अभी इसको चलाएंगे मीर का बाइक को आगे से जाके, और बीच में थोड़ा बहुत कांड हो गया था आपको दिखा दिया हमने, लेकिन कोई ना, होता रहता है,
अच्छी बात है, होना चाहिए। सो गाइस फाइनली इसको चलाने का टेम आ चुका है, टेम कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। आप लोगों ने बहुत सारे भाई लोगों ने कमेंट किया था कि इसका क्रोम फिनिश का जो रैप है काफ़ी पसंद है आप लोगों को, लेकिन क्रोम नहीं, इसका इंजन चेक होगा आज। बाकी जो मैं बोल रहा था तब, पल्सर में तो ऑलरेडी बाइक है 250F और N250 बोल के, उनमें 5 गियर है, बट दिस वन गॉट 6 गियर ब्रो। सो लेट्स गो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बाइक के आईने ने तो सरेंडर कर दिया पहले ही, हाथ ऊपर करके, भाई कहना है क्या चाहते हो, मतलब आपको इधर नहीं जाना है, तो कैसे ले उधर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ऐसे ही देखना है, बहुत बढ़िया, बहुत आला। 21 तोपों की सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, भैया रुक जाओ, नए नए चला रहे आरएस। एक बात मुझे समझ में नहीं आता, अगर आपको समझ में आता है तो रोशनी फेंकिए नीचे कमेंट सेक्शन में। इतना अच्छा खासा बाइक जिसमें 6 गियर का टेक्नोलॉजी है बजाज के पास और 200cc कैटेगरी में आता है, तो 250cc बना करके उसमें 5 गियर डाल के, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि 250cc का बाइक है तो उसमें कोई भी बंदा लेगा तो छठा गियर तो ऑब्वियसली वो चाहेगा। हाँ, उसको चलाने के बाद उसका रिफाइनमेंट लेवल काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू RS 200। इंजन काफ़ी रिफाइंड है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप अब जब हाईवे पर राइड वगैरह करते हो ना, देन यू डेफिनेटली सर्च फॉर द टॉप गियर व्हिच इज 6 गियर। तो 6 गियर अगर होता तो सही था। बाकी बाइक काफ़ी अच्छा है पल्सर का, क्योंकि मैंने उसको चलाया है, रिव्यू वगैरह भी किया है, चैनल पे है, लेकिन मेरे हिसाब से ना दैट इज नॉट अ हाईवे बाइक फॉर मी, इट्स अ सिटी कम्यूटिंग बाइक एंड बोथ ऑफ देम, नॉट ओनली द N250 बट एज वेल एज द 250F। और अगर हाईवे की बात करें देन RS 200 इज, यू नो, अंदर वो बात है, इसके अंदर वो कीड़ा है कि भाग सकता है। लेट्स गो, भाई साहब उड़ने का मजा आ गया। तो हम लोग अभी जा रहे हैं टूवर्ड चंद्रपुर, क्योंकि वहाँ पे एक सब्सक्राइबर मित्र है जिन्होंने इनवाइट किया है कि वहाँ पे कुछ खाना वगैरह होगा, तो वहीं पे जा रहे हैं हम अभी। क्या कर रहा है भाई, करना क्या चाहता है अल्टो वाले भाई साहब, तुमको क्या करना है जिंदगी में? भाई साहब अजीबोगरीब कट मार रहे हैं भाई, इससे तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। देखो भाई, वाह 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 वाह, काबिले तारीफ है भाई, नागिन जैसे चला रहे साइरेक्स SIRAX। आयुष बाय बाय, बाइक बाइक कैसा लगा, अच्छा है ना? अच्छा है, चलो भाई पूरा रोड तुम लोग ही ले लोगे तो हम लोग किस रोड से जाएंगे भाई? भैया जी क्या कर रहे हो, हेलमेट पहन लो। माना कि तशनबाजी तो हेलमेट ना पहनने में आता है, लेकिन सेफ्टी इज द प्रायोरिटी ब्रो। क्या हम यहाँ एक्सपल्स रह के रेस लगाती, भाई घोड़े लेके किधर जा रहे हो? व्हाट अ वंडरफुल बाइक एंड वंडरफुल काउ हेड, व्हाट हैपेंड टू योर लेग? वेट वेट वेट, निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया, ये बदबू निकल गया भाई इसका। इसलिए मैं ज्यादा नहीं लीन कर रहा हूँ, पता चल गया मेरे, एक बार स्किट किया है, एक बार सामने स्किट किया है, टकला है ना, तो अभी मेरे को एक जगह स्किट किया तो पता चल गया इसका आगे का टायर नहीं है बोल के। फिलहाल सनसेट का टाइम, तो चंद्रपुर साइड में कभी भी आप आते हो ना तो सनसेट के टाइम में आओगे तो यहाँ पे बढ़िया से आप रील वगैरह शूट कर सकते हो। हम लोग का प्लान था पहले उस तरफ जाने का, उधर में सनसेट हो रहा है अभी, तो सोचे कि नहीं इन्विटेशन दिए है, वैसे भी हम लोग लेट है, ये सब करने में घुस जाएंगे ना तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उस हिसाब से हम
फिलहाल के लिए तो इसको इग्नोर कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मेरे को ना कसम से याद नहीं था कि इसके फ्रंट टायर में ना एकदम भी ग्रिप नहीं है, जिस हिसाब से पेलम पुला करके आ रहा था मैं। अभी आगे जाके एक खतरनाक वाला स्ट्रेट मिलेगा, वहाँ पे तो पेलना पड़ेगा, और वहाँ पे पेलेंगे तो फिर उसके बाद फिर नॉर्मल रोड चालू है। भाई पेलोगे तुम लोग क्या? मैं पेलू? मजा आ गया। नीचे देखना मैं भूल ही गया था, पता नहीं कितना चढ़ा था स्पीडोमीटर में, 120-125 होगा शायद, या फिर ज्यादा भी हो सकता है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अभी जब वीडियो एडिट करूंगा ना तो पता चलेगा कितना चढ़ा था स्पीड। इनकेस आपको गाइस ना मच्छी मार के मजा आता है, यानी फिशिंग वगैरह करके मजा आता है, तो यहाँ पे एक शॉप है, ये वाला आप यहाँ पर फिशिंग रॉड वगैरह जो परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसी रोड में ना आगे जाके हम गए थे फिशिंग करने के लिए। हमारे सेकंड चैनल में एक वीडियो है, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, तो फिशिंग करने के लिए हम वहाँ पे गए थे। वहाँ पे पिकनिक वगैरह भी कर सकते हो, जैसे ही दिसंबर का महीना चल रहा है ना, अभी मंथ एंड में सब लोग पिकनिक वगैरह जो सेलिब्रेट करना चालू कर देंगे, उस हिसाब से ये वाले रोड में जाते हो, तो वो वीडियो एक बार चेक कर लेना, शायद से वहाँ पे आपको पिकनिक स्पॉट वगैरह जो है ना अच्छा लगे। और कितने सारे लोगों को गाइस आपको फिशिंग करके मजा आता है तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वाले चैनल में भी ना फिशिंग वगैरह से रिलेटेड कंटेंट चाहिए ना तो आप कमेंट करना, तो फिर हम लोग यहाँ पे फिशिंग करने के लिए भी आएंगे। फिशिंग का सबसे ज्यादा यू नो इन्फ्लुएंस है हमारे एंटायर नॉर्थ ईस्ट में, वो है मेघालय गाइस, क्योंकि मेघालय में हर गली नुक्कड़ में साइनबोर्ड देखने को, पोस्टर देखने को मिल जाता है कि फिशिंग कंपटीशन है, इतना इतना डिपॉजिट करो फॉर पार्टिसिपेशन और विनिंग अमाउंट 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए तक का भी आराम से फिशिंग कंपटीशन में आपका अवार्ड मिल जाता है। इतने दिनों से ये वाले रोड में ट्रेवल कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार इस तरफ आया हूँ, मतलब पानवारी जो पिकनिक स्पॉट है ना, ये वाले रोड में पहली बार आया हूँ। हमेशा वो वाले मेन रोड से चला जाता हूँ आगे। दिस इज़ गुड मैन, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, अलग अलग फील हो रहा है, कुछ अलग जगह। बाकी टनल के अंदर फंस गया सिकंदर, घुमाएगा एक्सेलरेटर, नाचेगा बंदर। वाह वाह, दिस इज व्हाट आई लाइक। बड़ा स्टाइगर लेके आता हूँ, अलग ही मजा आ जाता है यहाँ पर। भाई ये लोग छोड़ के कहाँ चले गए हमको? भाई कहाँ आ गए हम? बाप रे बाप, वाह वाह ब्यूटीफुल। किसी जंगल के अंदर में आ गए क्या भाई? तो भाई हमारे मिल गए हैं जिन्होंने इनवाइट किया था। भाई कहाँ आ गए भाई? लद्दाख आ गए क्या? भाई साहब ये वाले रोड में जाके तो काफी मजा आएगा। कौन बोलता है कि गुवाहाटी प्रोग्रेस नहीं कर रहा है? देखो कि इस पहाड़ों में जंगल के अंदर में भी अभी यहाँ पे कितना चौड़ा रोड बना दिए है, और रोड बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। भाई क्या 200 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा कि खत्म क्यों नहीं हो रहा है रोड? देखो भाई, देखो भाई, आराम से चलो, टकला टायर है याद रखना सामने का। रुक जाओ रुक जाओ सिपाहियों, रुक जाओ, जाने दो हमें। ये हलकड़ जवानी, अपना छमिया संभाल ले। थैंक यू हमारे फोन से रील लेने के लिए, धन्यवाद। के लिए इंस्टा पे फॉलो कर लेना। सो गाइस हमारे जो सब्सक्राइब मित्र है ये रहे, नाम बता दो एक बार। सुरजीत गोगोई। और यहाँ पे देखिए खाना का पूरा आयोजन किया है भाई, थैंक यू सो मच भाई। ये वो धान काटने के बाद होता है ना, क्या क्या बोलते हैं उसे? ऐसे नौखुआ, नौखुआ बोल के मैं उसे कॉन्सेप्ट में थोड़ा नतुन भात। हाँ। यहाँ पे देखिए खाना वाला सारा लग चुका है, सब लोग रेडी है खाने के लिए? खेलने के लिए भी रेडी है। तो बहुत आइटम है गाइस, पहले तो ये मतलब एकदम ऑथेंटिक, एकदम टेस्ट देने के लिए केले के पत्ते में खाना वगैरह सर्व कर रहे हैं, और ऊपर से यहाँ पे चटनी, ये शायद मेरे ख्याल से कौन सा चटनी है? पुदीना, धनिया, धनिया, हाँ धनिया का चटनी है। इधर में मिक्स वेज है, यहाँ पे बीटरूट का सलाद है, यहाँ पे छोटा आलू है, ये तो चावल है। सब लोग खाते हो? नहीं खाते तो खाना शुरू करो भाई। और बाकी यहाँ पे जी हाँ आसाम के लोग, हम लोग यहाँ पे डक खाते हैं, ये डक, यहाँ पे फिश और नमक सब कुछ है। पढ़ना यार खाई दे। ठीक है निकलते, थैंक यू, खाना बहुत टेस्टी है, थैंक यू अपना लोगों को। और सुनने में आया है यहाँ पे हाथी हाथी भी निकलते हैं, कुत्ते लोग भी यहाँ पे काफी फेमस है। क्या हुआ भाई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कालीचरण हो क्या? बीच में क्या लगा के रखा है ये? किसी ने इसको देखो गाइस, इसके बीच में थोड़ा तारीफ क्या कर ले, इसके जेलस फील कर रहा है।
सो गाइस निकलते हैं अभी, जल्दी जल्दी भागते हैं भाई, नहीं तो पता नहीं कहाँ से हाथी निकल आएगा। ये वाला जो रोड है ना, इसी रोड का वीडियो भाई दिखा रहे थे, हमारे जो सब्सक्राइबर मित्र है वो दिखा रहे थे, इसी रोड से हाथी वगैरह जो रोड क्रॉस कर रहे थे। तो फटाफट ये वाला इलाका तो हमें क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ ओके ब्रो, थैंक यू, बाय 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 बाय। कौन सा बाइक अच्छा लग रहा है भैया सब? घूमने घुमाने का प्रोसेस सारा खत्म हो चुका है और अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स घर। एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फॉर व्हाटएवर रीजन अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वाले ब्लॉग में। फटाक से टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुद हाफिज़। ड्रीम बिग, बी पैशनेट एंड ऑलवेज राइड सेफ, ऑलवेज राइड सेफ माय ब्रदर, एंड डोंट ट्रैवल योर मदर। बाकी मेरे को चीज पूछना था, अभी का जो RS 200 है BS6 वाला मॉडल नया लेटेस्ट है, उसका प्राइस कितना है ऑन रोड प्राइस, वो नीचे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरे को ना नया वाला मॉडल भी चलाना है। आज जो चलाया था ना, ये नया वाला एकदम ब्रांड न्यू वाला मॉडल नहीं है, लेकिन भाई का पुराना है, रैप वगैरह करके रखे हैं।